हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोइनफॉर्मेटिक्स के बारे में, और बेसिकली आज हम बात करेंगे प्राइमर डिजाइनिंग के बारे में। तो यहाँ पे आज हम प्राइमर डिजाइन करने वाले हैं किसी भी पीसीआर के एम्पलीफिकेशन के लिए। तो चलते हैं स्टेप वाइज मैनर में और देखते हैं कि हम कैसे प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं। और प्राइमर डिजाइन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो या तो हमारे पास SSN नंबर हो, वहां से हम प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं, या तो हमारे पास सोर्स ऑर्गेनिज्म का नेम पता हो, वहां से हम प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल के होम पेज पे। गूगल के होम पेज पे जाना है और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली टाइप कर देना है NCBI। NCBI आप टाइप करेंगे, देन इसको आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद में कुछ इस तरीके का विंडो आपका ओपन हो जाएगा, और जहां पे सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, और ये नया विंडो आपका NCBI का होम पेज होगा। ये NCBI का होम पेज आपका ओपन हो गया। तो इधर साइड में आप देख पा रहे होंगे कि इधर साइड में बहुत सारे रिसोर्सेज की लिस्ट दी गई है, और इधर साइड में कुछ आपके पॉपुलर रिसोर्सेज दिए गए हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है आर डाटाबेसिस में, और आर डाटाबेसिस में जाकर के आपको सिंपली न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट कर लेना है। देन आप जाएंगे यहाँ पे सर्च बार में। सर्च बार में जाने के बाद में आप क्या करेंगे, एक कोई एक सिंपल सोर्स ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, या हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कोई SSN नंबर डाल देंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, किसी सोर्स ऑर्गेनिज्म के थ्रू इस पे हम मूव करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक सोर्स ऑर्गेनिज्म लेते हैं जिसका नाम है Arabidopsis। Arabidopsis हमने यहाँ पे सिंपली टाइप किया, और हम यहाँ सर्च बार पे जाएंगे और इस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा एक नया विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपको Arabidopsis से बहुत ढेर सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इस ढेर सारे रिजल्ट में हमको क्या करना है, किसी एक ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने ये थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हम चूज करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। तो हमारे पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका Arabidopsis thaliana DNA3 मेथाइल एडिनिन ग्लाइकोसाइलेट MAG, ये mRNA का सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर आपको ये एक SSN नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो इसका ये पर्टिकुलर SSN नंबर है। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस SSN नंबर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक किस रिजल्ट तक आप पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, जैसे कि हम एक नया विंडो ओपन करते हैं, गूगल का होम पेज ओपन हो गया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम NCBI टाइप करेंगे, देन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ये ओपन हो जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा इस तरीके का विंडो जो NCBI का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। देन हम यहाँ जाएंगे आर डाटाबेसिस पे, और सिंपली हम सिलेक्ट कर लेंगे न्यूक्लियोटाइड को। देन हम ये सर्च बार में आएंगे, और यहाँ पे हमने जो SSN नंबर हमने वहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे हम उस SSN नंबर को पेस्ट कर देंगे। अगर आपको सीधा सीधा SSN नंबर मिल रहा है तो आप SSN नंबर के थ्रू जाएंगे। अगर आपको किसी सोर्स ऑर्गेनिज्म का नाम मिल रहा है, यानी कि नेम मिल रहा है किसी सोर्स ऑर्गेनिज्म का, तो आप सोर्स ऑर्गेनिज्म से भी आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे SSN नंबर के थ्रू हम यहाँ क्या करेंगे, सर्च बार पे जाएंगे और इस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप रिजल्ट देखेंगे नए विंडो में, जो खुल के आएगा वो दोनों रिजल्ट सेम होगा, यानी कि जो हमने सोर्स ऑर्गेनिज्म से जो यहाँ पे रिजल्ट देखा था, वही हमने SSN नंबर से भी हमको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे Arabidopsis thaliana DNA3 मेथाइल एडिनिन ग्लाइकोसाइलेट, वही दूसरे रिजल्ट में भी शो हो रहा है Arabidopsis thaliana DNA3 मेथाइल एडिनिन ग्लाइकोसाइलेट। तो इन दोनों में से किसी एक के थ्रू भी हम इस होम पेज तक आ सकते हैं। अब बेसिकली हमको क्या करना है, इस यहाँ तक हमको पहुंचना है सबसे पहले। देन अब यहां से हमको क्या है कि हमारे पास दो बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं PCR एम्पलीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले पहला तरीका हमारे पास ये है कि सिंपली हम इधर साइड में आप देख पा रहे होंगे एनालाइज दिस सीक्वेंस में रन ब्लास्ट पिक प्राइमर हाईलाइट सीक्वेंसेस फीचर्स फाइंड इन दिस सीक्वेंस, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको ये पिक प्राइमर का ऑप्शन ये जो दिखाई दे रहा है, इस पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पिक प्राइमर पे क्लिक करेंगे, आपको ये जो प्राइमर ब्लास्ट का जो होम पेज है, ये विंडो आपको ओपन हो जाएगा। अब इस अगर विंडो तक पहुंचना है तो आप मैनुअल तरीके से भी, एक तरीका और है वहां से भी पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम एक तीसरा विंडो ओपन करते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे प्राइमर ब्लास्ट। हमने प्राइमर ब्लास्ट टाइप किया, देन इसको हम सर्च कर लेंगे।
सर्च करने के बाद में सबसे ऊपर हमारा जो आएगा प्राइमर डिजाइनिंग टूल एनसीबीआई के थ्रू, ये आपको ओपन कर लेना है। सिंपली ओपन करने के बाद में ये आपका होम पेज जो है ये इसका प्राइमर ब्लास्ट का ये ओपन हो गया। वही चीज हमारा यहाँ से जब हमने क्या किया था, जब हमने इस पिक प्राइमर पे क्लिक किया था तो हमको ये सिंपली ये प्राइमर ब्लास्ट का होम पेज ओपन हो गया था। तो दोनों तरीके से हम इस प्राइमर ब्लास्ट के होम पेज तक आ सकते हैं। देन अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हम यहाँ से पहला जो हमारे पास तरीका ये था कि पिक प्राइमर से हमने सेलेक्ट किया है, पिक प्राइमर पे हमने क्लिक किया है और हम यहाँ तक रिजल्ट पे आए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे अगर हमको फॉरवर्ड प्राइमर लेना है, रिवर्स प्राइमर लेना है, कहाँ से कहाँ तक, यानी कि फ्रॉम दिस टू दिस। देन उसके बाद में हम यहाँ पे फाइल को भी चूज कर सकते हैं, फास्टर सिक्वेंस को। देन अगर हमको क्या करना है, प्राइमर के पैरामीटर्स को सेट करना है यहाँ पे। देन पीसीआर प्रोडक्ट साइज को हमको यहाँ पे सेट करना है, मेल्टिंग टेम्परेचर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, देन एग्जाम जंक्शन स्पैन को, देन एग्जाम जंक्शन मैच, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स जो है हमारे यहाँ दिए हुए हैं। तो हमको इसमें क्या करना है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर्स को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमको कोई भी हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है और सिंपली हमको केवल प्राइमर डिजाइन करना है तो हम यहाँ क्या यहाँ सिंपली जाएंगे, यहाँ इस जो हमारे पास टिक बॉक्स है इस पे हम टिक कर देंगे, यानी कि हम दूसरे विंडो में इसको हम प्राइमर का रिजल्ट जो है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ सिंपली हम गेट प्राइमर पे जाएंगे और ये सब हमारा क्या है, डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट है तो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो हम गेट प्राइमर पे जाएंगे और सिंपली इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में क्या होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा सर्च करने के लिए। ये हमारा अभी भी थोड़ा टाइम लेगा। हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा ही टाइम लेता है क्योंकि ये प्राइमर को क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और जैसे ही ये सर्च कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें आप देख पाएंगे कि हमारे पास क्या होगा कि बहुत सारे प्राइमर्स जो है वो हमको दिखाई देंगे और उसमें फॉरवर्ड प्राइमर भी दिखाई देगा, बैकवर्ड प्राइमर भी दिखाई देगा और भी बहुत सारे जो चीजें हैं उसमें वो हमको दिखाई देने वाली है। जैसे कि हम मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करेंगे, उसके सीक्वेंस की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलने वाली हैं। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। प्लीज कीप पेशेंस, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हमारे पास तो एक सिंपल तरीका ये तो है जहां पे हम सीधे सीधे पिक प्राइमर पे गए हैं, वहां से हमने क्या किया है, वहां से सीधे हम यहाँ पे प्राइमर ब्लास्ट पे जा करके ये हम यहाँ पे प्राइमर को डिजाइन कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम फास्टा सिक्वेंस लेकर के भी हम प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं। वहां पे हमको क्या करना है, SSN नंबर के थ्रू ना जा करके हम फास्टा सिक्वेंस के थ्रू भी जा सकते हैं तो हमारा ये रिजल्ट शो हो जाए, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। देन हम सेकंड जो हमारा तरीका है, यानी कि जो सेकंड वे है हमारा, यानी कि फास्टा सीक्वेंस से भी हम क्या करेंगे, प्राइमर को डिजाइन करेंगे और दोनों तरीके से हम देखेंगे प्राइमर को डिजाइन कैसे करते हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है आपको तो यहाँ पे चेक के जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये आपका विंडो ओपन हो रहा है। तो फाइनली आपका ये विंडो ओपन हो रहा है, अभी भी ओपन हो रहा है, अपलोडिंग डाटा यहाँ पे बता रहा है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम। ये आपका पूरी तरीके से अब विंडो शायद ओपन हो चुका है, नहीं अभी भी लोडिंग हो रही है, अभी भी लोडिंग हो रही है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे ये आपका ये पेज जो है वो जो नया विंडो है ये आपका ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये आपका ग्राफिकल जो इसका व्यू है वो प्राइमर पेयर का ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको प्राइमर 1, प्राइमर 2, प्राइमर 3, प्राइमर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस जो हमने ये यहाँ पे SSN नंबर डाला था, यानी कि NM112038.3, जो कि Arabidopsis thaliana DNA3 methyl adenine glycosylate का ये SSN नंबर था,
वहां पे इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल 10 प्राइमर्स हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल व्यू। अब आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आते हैं, डिटेल के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास प्राइमर नंबर 1, प्राइमर पेयर 1, प्राइमर पेयर 2, देन प्राइमर पेयर 3, प्राइमर पेयर 4, प्राइमर पेयर 5, प्राइमर पेयर 6, प्राइमर पेयर 7, देन 8, देन 9, देन 10। ये आपका टोटल 10 प्राइमर जो है वो आपके दिखाई दे रहे हैं इसमें सिंपली। तो हम एक सिंपली सिंपल सा एक प्राइमर पेयर नंबर 1 चूज करेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड प्राइमर के बारे में। तो फॉरवर्ड प्राइमर का जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके का सीक्वेंस ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में ये जा रहा है। देन रिवर्स प्राइमर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस है आपका। प्रोडक्ट लेंथ की बात करेंगे तो 136 बेस पेयर का ये प्रोडक्ट का लेंथ है इसका टोटल। देन यहाँ पे हम देखेंगे टेम्पलेट स्टैंड की बात करेंगे तो लेंथ जो है ये आपका 20 है, यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड का लेंथ है, ये भी 20 न्यूक्लियोटाइड का लेंथ है। जो प्राइमर है हमारा वो 20 न्यूक्लियोटाइड का लेंथ का ये प्राइमर है। देन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, इसका स्टार्टिंग जो हुआ है फॉरवर्ड प्राइमर का 659 बेस पेयर से स्टार्ट हुआ है, और ये जो इसका जो रिवर्स प्राइमर का है वो 794 से स्टार्टिंग हुआ है। ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, 659 से स्टार्ट हुआ है फॉरवर्ड प्राइमर और 678 पे जाकर के ये एंड हो गया है। देन अगर हम रिवर्स प्राइमर की बात करते हैं तो ये उल्टा चलेगा, जो कि 794 से स्टार्ट हुआ है और 775 पे जाकर के ये स्टॉप हो गया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग साइड कहाँ पे है और एंडिंग साइड कहाँ पे है। तो इस तरीके से आप ये भी पता कर सकते हैं, इसकी लेंथ भी पता कर सकते हैं। अगर हम टीएम कैलकुलेट करना चाहें इसका तो टीएम भी यहाँ से हम देख सकते हैं, इसका टीएम भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो फॉरवर्ड प्राइमर हमारा है उसका हमारा टीएम जो है 60.62 दिया गया है। देन जो बैकवर्ड प्राइमर है उसका हमारा जो टीएम है वो 60.11 दिया गया है। देन जीसी कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो फॉरवर्ड प्राइमर है, फॉरवर्ड प्राइमर में हमारा जीसी कंटेंट 60% है, जबकि बैकवर्ड प्राइमर की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड प्राइमर में हमारा जीसी कंटेंट 50% दिया गया है। देन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेरिटी की अगर हम बात करते हैं तो 7.00 फॉरवर्ड प्राइमर का है और बैकवर्ड प्राइमर का 6.00 दिया गया है। तो इस तरीके से हम अगर बात करना चाहें तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं इस पे। देन अगर हम इसकी बात करते हैं और हम बात कर लेते हैं इसमें तो थोड़ा सा और अगर हम बात करना चाहें इसमें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की लेंथ दी गई है वो हमारी कितनी दी गई है, 136 बेस पेयर की दी गई है यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपकी प्रोडक्ट की लेंथ दी गई है 136 बेस पेयर। देन फॉरवर्ड प्राइमर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइमर और टेम्पलेट जो है वो दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। देन रिवर्स प्राइमर और उसका टेम्पलेट जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कुछ इस तरीके से, ये फॉरवर्ड प्राइमर टेम्पलेट और ये रिवर्स प्राइमर टेम्पलेट। तो ये सारे जो है ये आपके क्या है, पैरामीटर्स हैं इसके, जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो 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 है वो नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम प्राइमर पेयर सेकंड की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं जो कि प्राइमर पेयर नंबर 1 में दिए गए हैं। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम ये जो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन ये तो हो गया हमारा पहला तरीका, जो कि हम सिंपली क्या किए थे, सिंपली हमने यहाँ पे पिक प्राइमर पे क्लिक करके हमने ये रिजल्ट जो है वो ये हमने निकाला है ये रिजल्ट। देन हमारे पास एक दूसरा और ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस रिजल्ट पे आए थे, जैसे कि हमने सोर्स ऑर्गेनिज्म का नाम डाला था, यहाँ पे नेम क्लिक किया था, या हमने जो हमारे पास ये थी SSN नंबर था उससे हमने यहाँ तक पेज को ओपन किया था। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम फास्टा सीक्वेंस को ले सकते हैं, यहाँ आप फास्टा पे बेसिकली आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप फास्टा पे क्लिक करेंगे आपको एक फास्टा का सीक्वेंस जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप फास्टा का सीक्वेंस जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये फास्टा का सीक्वेंस आपका है, इसको आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसी पिक प्राइमर पे दोबारा आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इस पिक प्राइमर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक SSN नंबर तो दिया ही गया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमको करना ये कि फास्टा सीक्वेंस अब हमको क्या करना है, प्राइमर को डिजाइन करना है PCR के एम्पलीफिकेशन के लिए। तो हम जो हमने फास्टा सीक्वेंस वहां पे लिया था इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में जैसा कि हमने पहले बात किया था यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे मैनुअल जो हमारा दिया गया है, जो डिफॉल्ट दिया गया है उसको डिफॉल्ट को हम वैसे वैसे का वैसे ही रहने दे रहे हैं।
और हम बेसिकली गेट प्राइमर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब गेट प्राइमर पे क्लिक करेंगे तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि हमने उसमें बात किया था, एक हमने जो सिंपली सा सिंपल तरीका हमने यूज किया था कि हमने वहां पे SSN नंबर से फाइंड आउट किया था, देन यहाँ पे हम फास्टा सीक्वेंस से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास दो सिंपल तरीके हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं PCR के एम्पलीफिकेशन के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, जैसे कि वो भी टाइम लिया था, ये भी आपका टाइम लेगा, लेकिन दो बहुत ही सिंपल तरीके हैं जहां से आप प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं। अब दोनों में रिजल्ट जो होंगे क्या होंगे, दोनों में रिजल्ट जो आएंगे वो सेम सेम आने वाले हैं। आप दोनों को हम कंपेयर भी कराएंगे यहाँ पे और आपको दिखाएंगे कि रिजल्ट जो है वो दोनों में सेम ही आते हैं। आप चाहे जो तरीका लीजिए, या फास्टा सीक्वेंस को लीजिए, या आप क्या कीजिए SSN नंबर के थ्रू आप जाइए, दोनों के थ्रू आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलने वाला है। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें तो आप ये चेक पे क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है और इसमें टाइम लगता ही लगता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमर डिजाइनिंग कंटिन्यू है। और हम इसी पेज पे रहते हैं ताकि आप देख पाएं कि हाँ इसमें जो टाइम लग रहा है, टाइम लगने के बाद में जो आपका सीक्वेंस जो आ रहा है वो आपके सामने ही विंडो ओपन होना चाहिए। अगर हम इसके जो पहले वाला विंडो हमने ओपन किया था जहां पे हमने बहुत सारे प्राइमर्स को देखा था, टोटल हमने वहां पे 10 प्राइमर्स रिट्राइव किए हैं, 1 से लेकर के प्राइमर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक हमने किए हैं और प्राइमर नंबर 1 को हमने पूरी तरीके से एनालाइज किया है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें हमने देखी हैं, लेंथ कितना है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, देन उसका स्टार्टिंग साइड क्या है, स्टॉप साइड क्या है और देन GC कंटेंट क्या है, ये सब सारी चीजों के बारे में हमने वहाँ पे बात किया था। वही चीज सेम यहाँ पे भी खुल के आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं रिजल्ट तक। और विंडो पे ही हम रहते हैं क्योंकि आप लाइव देख पाएंगे यहाँ कैसे ये ओपन होता है। जी हाँ, ये देखिए आप, ये आपका विंडो जो है वो ओपन हो रहा है और ये अपलोडिंग अभी भी चल रही है, अभी पूरी तरीके से विंडो ओपन नहीं हो पाया है। देन हम यहाँ पे, ये हमारा विंडो शायद ओपन हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसा हमने पहले वाले विंडो में देखा था, प्राइमर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे प्राइमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये हमारा ग्राफिकल व्यू था और यहाँ पे हमारा डिटेल प्राइमर रिपोर्ट्स जो है वो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्राइमर पेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसा कि आप उसमें भी देखे थे कि टोटल हमारे पास प्राइमर जो पेयर थे वो 10 थे। हमने यहाँ पे क्या बात किया था, हमने उसमें बात किया था प्राइमर पेयर 1 के बारे में, फॉरवर्ड प्राइमर देखा, रिवर्स प्राइमर देखा, देन उसके बाद में प्रोडक्ट की लेंथ देखी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फिर बात किया टेम्पलेट स्टैंड की, प्लस माइनस ये लेंथ की बात किया हमने, 20 वहां पे भी था, 20 यहाँ पे भी था, स्टार्टिंग साइट हमने बात किया था, स्टॉप साइट के बारे में बात किया था, TM के बारे में बात किया था, GC कंटेंट देखा था हमने, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरिटी देखा था और यहाँ पे हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट लेंथ, देन फॉरवर्ड प्राइमर, देन उसके बाद में रिवर्स प्राइमर, ये हमने यहाँ पे देखा था। तो वही चीज हमारा यहाँ पे हमने फास्टा सीक्वेंस लेकर के भी हमने जो प्राइमर डिजाइन किया है सेम वही रिजल्ट आया है, जैसा कि ये फास्टा सीक्वेंस है और इसके पहले हमने जो देखा था वो हमारा कुछ इस तरीके से रिजल्ट ही आपके सामने आया था। तो दोनों रिजल्ट जो है वो आपके सेम ही आते हैं, चाहे आप फास्टा सीक्वेंस से कीजिए या आप क्या कीजिए किसी SSN नंबर से आप इसको प्राइमर को डिजाइन कीजिए। तो आई थिंक आपको ये प्राइमर डिजाइनिंग का वीडियो जो है प्राइमर एम्पलीफिकेशन के लिए ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।